हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल ट्रीट्स विद गौरव। तो आज हम जाने वाले हैं जिम कॉर्बेट। ये हमारा ऑफिस ट्रिप था, तो अबाउट 50-60% गए थे। जिम कॉर्बेट इतना ज़्यादा हिली एरिया नहीं है, बट इट इज़ फेमस फॉर फॉरेस्ट। वहाँ पे जंगल सफारी होती है, बहुत सारे जोन्स हैं, 6-7 जोन्स हैं जहाँ पे जंगल सफारी होती है। डिस्टेंस बिटवीन गाज़ियाबाद टू जिम कॉर्बेट इज़ अबाउट 200 किलोमीटर्स एंड बाई कार इट टुक अबाउट 4 hours 30 minutes। बेस्ट टाइम जिम कॉर्बेट जाने का है नवंबर टू जून। ये हमारा ट्रिप भी फेब 2022 में हुआ था। हमारे रिजॉर्ट काफ़ी अंदर था फॉरेस्ट में, तो रास्ता थोड़ा सा अंदर तक का ऐसे ही है, ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट में जो फेमस 5 जोन्स हैं वो बिजरानी, डिकाला, झिरना, ढीला और दुर्गा देवी। कुछ सालों में कुछ नए जोन्स और ऐड हुए हैं वहाँ पे, जैसे सीता बनी, फाटो। वो इतने खास नहीं है, बट हाँ काम चलाने के लिए ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आपको टाइगर देखने को मिलेंगे वो बिजरानी और ढिकाला में मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे अगर आपको उन जोन्स में 2 दिन रुकना पड़ेगा, 2 nights का स्टे करना पड़ेगा इन दोनों जोन्स में। रिजॉर्ट का नाम है अलाया रिजॉर्ट। आसपास जंगली जंगल, जंगल के बीच में था ये रिजॉर्ट, तो बहुत ही सुकून और शांति थी रिजॉर्ट में। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, मस्त वाला 4-star रिजॉर्ट है। इनका अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल है जिसमें हम जाते ही कूद गए थे बस। अपना प्राइवेट ग्राउंड है जहाँ पे हमने नेक्स्ट डे क्रिकेट भी खेला था। ये मैंने रिजॉर्ट का टॉप व्यू दिखाया हुआ है। रिजॉर्ट में काफ़ी ग्रीनरी है, 4-star प्रॉपर्टी है। कॉस्ट पर रूम पड़ जाती है 4,000 to 5,000 इंक्लूडिंग ऑल 3 meals। अब इसमें ड्रिंक्स मत इंक्लूड कर लेना, ये इतना दे रहे हैं इतना ही बहुत है। काफ़ी स्पेसियस प्रॉपर्टी है, इवन रात में लाइव म्यूजिक भी चलता है, डीजे भी है। रात में अंधेरा होने के बाद बाहर निकलना मना हो जाता है क्योंकि वहाँ पे टाइगर का थोड़ा डर रहता है। ये फ्रंट व्यू है अलाया रिजॉर्ट का, रात में बनाई थी ये वीडियो, तो हो सकता है कि कितनी क्लियर ना हो। साइड में यहाँ पे टीटी रूम है, तो वहाँ पे कुछ लोग खेलने चले गए थे टीटी। मोस्टली इंडोर एंड आउटडोर गेम्स हैं इस रिजॉर्ट में, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, टीटी, वॉलीबॉल। रात में फिर लाइव म्यूजिक चलने लगा। बंदा गा बहुत सही रहा था, बट लड़कों ने तो 2-2 लगाए हुए थे, तो उन्हें उस टाइम पे लाइव म्यूजिक नहीं चाहिए था, उन्हें तो बस डीजे चाहिए था। ये सब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी लाइव म्यूज़िक ख़त्म हो और हम कब ठुमका मारें। ठंड फैब में ज़्यादा थी वहाँ पे, ऊपर से हम जाते ही स्विमिंग पूल में कूद गए थे, तो अब यार बोन फायर तो बनता है ना भाई। अब इन्हें मिल गया डीजे, तो सारी लाइव म्यूज़िक की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो डीजे पे निकाल देंगे। लड़कों ने 2-2 लगाए हुए थे, तो अब इन्हें कहाँ थकावट हो रही है भाई अभी। लेकिन इनसे बोल दो कि यार ऑफिस का काम करना है, लेट नाइट रुक के, तो इनकी एकदम से सांसें उखड़ने लगेंगी। हमने मॉर्निंग सफारी बुक करी हुई थी, तो हम सब 5 बजे उठ गए थे और 6 बजे हम सफारी जीप में बिल्कुल एक्टिव होके बैठ गए। अब हम निकल गए हैं जीप सफारी पे, तो हमें फाटो जोन जाना था। जीप वाला इतनी ज़्यादा तेज़ जीप चला रहा था जैसे टाइगर हमें देखने के लिए वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहा हो, हमारा वेट कर रहा हो। हम अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो टाइगर अपनी मुँह दिखाई नहीं करेगा फिर। यार वैसे अब जिम कॉर्बेट में इतने ज़्यादा टाइगर्स बचे नहीं हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको टाइगर देखने ही जाना है तो रणथंभौर इज़ बेस्ट इंस्टेड ऑफ जिम कॉर्बेट। तो हमने अब फाटो जोन में एंट्री ले ली है। 1 घंटा खड़ा होना पड़ा था, उसके बाद हमें जाके एंट्री मिली थी। हमारे सफारी के जो टाइमिंग्स थे वो थे 6 to 10 बजे तक, तो 7 to 7:30 बजे के करीब हमने फाटो जोन में एंट्री ले ली। जोन में मुझे बहुत ही कम डियर दिखे और एक जंगली मुर्गा, मीन्स वाइल्ड, इंग्लिश में समझ जाओ आप यार भाई। बड़ा ही बेकार जोन है, गलती से भी मत चले जाना। मतलब यार अंदर दूध वाले दूध बेचने जा रहे हैं, वहाँ से निकल के लोग आराम से बाइक पे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों में वहाँ पे बस और ऑटो भी चलने लगेंगे जल्दी, प्लॉट भी कटने शुरू हो जाएंगे जैसे बहुत ही जल्दी। मैं और मेरे दोस्त तो वहाँ पे ऐसे डिसाइड कर रहे थे कि हमें प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए जंगल में। आज तक का सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा फाटो जोन में। मैं पहले भी और भी जोन्स में गया हूँ जिम कॉर्बेट में, बट वो ठीक है, बट ये वाला जोन तो यार बिल्कुल ही ख़त्म है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी जीप के आगे आके कोई हाथ देगा और बोलेगा कि यार मुझे बाहर तक छोड़ दो, तो
तो हम वो भी छोड़ देंगे इसको। ड्राइवर के पास तो कुछ था ही नहीं बोलने के लिए, वो बस यही बोले जा रहा था कि यार बहुत ही अच्छा जोन है, ये देखो टाइगर के पैरों के निशान, यहाँ अभी अभी टाइगर आया था। तो ऐसा लग रहा है टाइगर के पैर के निशान को देख के जैसे बस वो यहाँ पे गृह प्रवेश करने आया और निशान देकर चला गया वापस। ये हूँ मैं स्मार्ट बॉय। जंगल में यार कुछ दिख तो रहा नहीं था तो सोचा कि यार वीडियो ही बना ले खाली बैठे और क्या। तो भाई प्लीज़ इस जोन में कभी मत आना, पैसे वेस्ट हैं बिल्कुल। और अगर आपको प्लॉट देखने ही आना है तो पहले प्लीज़ प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेना, उसके बाद ही आना यार। लास्ट में हमको जाके रोड पे दिखा हाथी, तो ये देख के थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन कम हुई। मीन्स यार जंगल में तो कुछ भी नहीं है, रोड पे उससे ज़्यादा जानवर हैं। तो ये था गाइज हमारा जिम कॉर्बेट का ट्रिप, होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे चक्राता या नॉर्थ गोवा, इट डिपेंड्स कि कहाँ का प्लान बनता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।